तो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का देखेंगे। हिंदी आज से शुरुआत हो चुका है, आज से ये पार्ट वन होगा हिंदी का। ऐसे हम लोग 15 से 20 वीडियो देखेंगे जिसमें सारा आपका हिंदी खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये होगी आपके लिए कि आपको 15 से 20 क्वेश्चन हिंदी से आने वाला है, जो कि आप मात्र यही वीडियो देखकर आप आसानी से लगा सकते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे समास, हिंदी का ही एक पार्ट है। सबसे पहले समास से शुरू कर देते हैं, क्योंकि समास से हर साल क्वेश्चन आता है और 3-4 क्वेश्चन मैं वीडियो के लास्ट में लिया भी हूँ प्रीवियस ईयर से। तो मैं मात्र 3-4 क्वेश्चन ही लिया हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें हम लोग 30 से 25 क्वेश्चन देखेंगे, इसका समास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं समास का। तो समास आखिर कहते किसे हैं? तो दो या दो से अधिक पदों के संयोग से बना पद हमारा समास या समासिक पद कहलाता है। दो या दो से अधिक पदों के संयोग से बना समास या समासिक पद कहलाता है। इसमें पद मिलकर एक हो जाते हैं तथा पदों को विभक्त प्रत्यय लुप्त हो जाता है। शब्दों में संबंध प्रकट करने वाले लुप्त शब्द को फिर से दिखला देने को समास विग्रह कहते हैं। फिर से अलग अलग हम लोग अगर कह दें तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे सेना का पति, जैसे हम लोग सेना के पति को जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है? सेनापति हो जाता है। और सेनापति को हम लोग अगर विग्रह कर दें तो सेना का पति हो जाता है, माने सेना का सबसे बड़ा सर्वोच्च अधिकारी। जैसे हाथ के लिए जो कड़ी लगाया जाता है हथकड़ी, उसे अगर हम क्या करते हैं कि हथकड़ी बोल देते हैं तो ये क्या हुआ? समास हुआ। और उसको विग्रह कर देते हैं हाथ के लिए कड़ी। तो ऐसे कर हम देख सकते हैं कि इसे हम लोग समास कहते हैं। कि एग्जांपल की तरह आप जान चुके हैं। अब समास के पद हम लोग देखते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास के विभेद हम लोग देखेंगे, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास 6 भेद में होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6। पहला क्या होता है? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? जिस समासिक शब्द में प्रथम पद प्रधान हो। प्रथम पद मतलब जिसका, मान लीजिए आपका नाम अजय हुआ, जिसका प्रथम पद क्या हुआ? अ हुआ। जो प्रथम पद और पूरा पद अव्यय होता हो उसे ही अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति मतलब क्या? आपके जितना शक्ति है अकॉर्डिंग टू आपके शक्ति के कारण, पावर के कारण चलेगा। तो यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन मैंने दिन के अनुसार, जिसे दिन आपका कोई डेली रूटीन होता है डेली बाय डेली बेसिस पर, दिन बेसिस पर, तो हम कैसे कह देते हैं? हम लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं, प्रतिदिन खाते हैं। प्रति क्षण हर क्षण, आमरण मरण तक। तो ऐसे कर ये कौन आ गया? अव्ययीभाव समास हो गया, जिसका प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। और पूरा पद क्या होता है? एक अव्यय होता है। निरोग रोग से रहित। तो ऐसे अव्ययीभाव समास आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या होता है? तत्पुरुष समास। जिस समासिक शब्द में दूसरे पद की प्रधानता होती है तथा विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट समास है, इसी से बार बार क्वेश्चन आता है तत्पुरुष समास। और इसका एक और नाम जाना, कैसे इसका और परिभाषा हम कर सकते हैं? तो तत्पुरुष समास वह समास में है जिसमें समासिक शब्द के अंतिम पद प्रधान होता है। ऐसे भी हम लोग कहते हैं दूसरे पद या अंतिम पद प्रधान होता है। तो ऐसे इसका कैसे हो जाएगा? यश प्राप्त, इसका अंतिम यश प्राप्त, यश को जो प्राप्त हुआ, ठीक। रचनाकार, रचना को करने वाला या रचने वाला, ऐसे लगा सकते हैं, जिसका अंतिम पद प्रधान है। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, मुंह तोड़, हथतोड़, हाथ को तोड़ने वाला। और ये नीचे वाला है क्या? शोकाकुल, मतलब शोक के अकुल। ऐसे इसका अंतिम पद प्रधान होता है। तो ऐसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछा है। देखिएगा लास्ट में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है। तो ऊपर वाला हम देखें, क्या देखें? इसमें हम लोग देखें कि अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और पूरा पद एक अव्यय होता है, ठीक। लेकिन इसमें क्या होता है कि द्वितीय पद या अंतिम पद प्रधान होता है और विभक्त के चिन्ह लुप्त होते हैं। विभक्त के चिन्ह मतलब लुप्त होते हैं, जो विभक्त में चिन्ह में एक रिलेशन दिखाते हैं। अब तीसरा क्या हुआ? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समासिक शब्द में उत्तर पद प्रधान है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इनमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। जो पहले वाला पद होता है वो विशेषण और उत्तर वाला पद क्या होता है? विशेष होता है। जैसे नीलकमल, नीलकमल में अब क्या हुआ? नील कमल, नील पीला, पीताम्बर। जैसे कि पहले वाला पद क्या है? विशेषण, विशेषता बताता है कैसा है, तो नीला है। कैसा है? पीला है। कैसा है? सागर, महा है, मतलब विशाल है। कहाँ है? सज्जन, सज्ज है, मतलब अच्छा है। तो ऐसे करके जो प्रथम पद होता है वो विशेषता बताता है और उत्तर पद विशेष होता है, उसी का विशेष बताता है। तो नीला है जो कमल, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नील कमल। पीताम्बर, पीला है जो वस्तु, उसे हम पीताम्बर कहते हैं।
महासागर, महान है जो सागर उसे महासागर कहते हैं। सज्जन, सत है जो जन उसे हम लोग सज्जन कहते हैं। दीर्घायु, दीर्घ है जिसकी आयु उसे हम दीर्घायु कहते हैं। तो ये बहुत इजीली आप याद कर सकते हैं, आप बस एक बार देख लीजिएगा सरसरी निगाह से तो आपका याद हो जाएगा, और एक दो क्वेश्चन पक्का समास से आता है, ये याद रखिएगा। अगला हमारा कौन होगा, द्विगु समास, जिस समास से शब्द का प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो। द्विगु, देखिए आपको इसे ट्रिकली से याद कर सकते हैं, द्विगु से क्या आ रहा है, दो आ रहा है, मतलब द्विगु दो, दो का बोध आ रहा है ना, तो जिसका प्रथम पद क्या हो संख्यावाची और अंतिम पद क्या हो संज्ञा। प्रथम पद जरूर याद रखिएगा क्या हो, संख्यावाची, मतलब त्रिदेव, तीन देवताओं का समूह, त्रिदेव तीन देवताओं का समूह, एग्जाम्पल पर आप ले सकते हैं। अगला देखिए सप्तऋषि, शुरू में क्या आ रहा है, सप्त द्विगु, मैंने द्विगु मैंने क्या, शुरू में दो आ रहा है तो मतलब क्या आना चाहिए, गिनती आना चाहिए, तो सप्त सात आया, ऋषि सात ऋषियों का समूह, तिरंगा तीन रंगों वाला, त्रिवेदी तीन वेदों के जानने वाला, नवरत्न नौ रत्नों का समूह। ऐसे कर आप बहुत ईजिली से याद कर सकते हैं समाज को। फिर क्या आया यहाँ पर देखिए, ये कौन था, ये कौन सा समाज था, द्विगु था। यहाँ पर कौन आया, द्वंद, यहाँ पर आया द्वंद समास, जिस समासिक शब्द के दोनों पद द्वंद, द्वंद देखिए यहाँ पर दो दो आ रहा है, दो वंद मैंने दो बार दो आ रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं दो बार दो आप द्वंद, तो इस समास में क्या होते हैं, शाब्दिक शब्द दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद की संज्ञा और विशेषण हो, क्या हो दोनों पद संज्ञा और विशेषण हो, उसे द्वंद समास कहते हैं। जैसे राम कृष्णा, राम और कृष्णा, राजा रंक, राजा और साथ में रंक, राजा और रंक, यहाँ पर बीच में हाइफन का चिन्ह भी है। अन्न जल, अन्न और जल दोनों साथ में, 25, पाँच और 20, 25 हम कैसे लिखते हैं, पाँच और 20। हरिहर माने हरि और हर, विष्णु और शिव, हर किसको बोला जाता है, हर हर महादेव शिव को, हरि किसे बोला जाता है, विष्णु को। ऐसे कर द्वंद दो का बोध होना चाहिए इसमें, और द्विगु में मात्र संख्यावाची शुरू में आना चाहिए। और फिर ऊपर क्या हम लोग देखें, कौन समास, कर्मधारय समास में, कर्मधारय में जिसका सामासिक शब्द उत्तर पद प्रधान हो, कर्म, कर्म से आप कैसे याद कर सकते हैं कि उत्तर पद प्रधान होना चाहिए। कर्म कर किया जाता है, फल की चिंता नहीं किया जाता है, मतलब क्या, कर्म शुरू में करेंगे लेकिन फल की चिंता नहीं करेंगे, मतलब लास्ट वाला, मतलब क्या कहने का मतलब कि उत्तर का चिंता हम नहीं करेंगे, हम अपना क्वेश्चन बनाकर उत्तर लिख देंगे, अब जांच करने वाला बताएगा कि उत्तर सही है कि गलत है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं ट्रिकली कि कर्मधारय समास उसे कहते हैं। तो कर्मधारय समास के क्या होता है, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। हम लोगों का विशेषता क्या है, ऐसे भी याद रख सकते हैं कर्मधारय में, कि हम लोग का विशेषता क्या है, क्वेश्चन आएगा उसे हम बना देंगे, ये हम लोगों का विशेषता है। लेकिन विशेष टीचर लोग का कि उसे गलत छाटेंगे या सही छाटेंगे, अगर सही होगा तो सही बताएंगे और गलत होगा तो गलत छाटेंगे। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो नीलकमल, नीला है जो कमल, पढ़ा चुके हैं आपको, बता चुके हैं। अब देखिए अगला क्या हुआ, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इस समासिक पद में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, कोई भी शब्द प्रधान नहीं, बल्कि दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। ऐसे ठीक, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नीलकंठ। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश, लंब उदर ठीक। मुरारी, मूर मने राक्षस के अरि मने कृष्ण, मतलब मूर के अरि, राक्षस के कृष्ण, मुरारी जिसे हम लोग बोलते हैं। त्रिलोचन, तीन लोचने लोचन है जिनके, मतलब शिव, ये याद करते। बजाग्र, जिनका अंग बज्र, जैसे कि आपको मिलेगा, जैसे कि नीला है कंठ अर्थात हम किसे कहते हैं, नीलकंठ किसे कहते हैं, शिव भगवान को, विष पी लिए थे नीला हो गया था। लंबा है उदर, जिसका पेट लंबा हो, मतलब किसे इसे कहते हैं, तो गणेश जी को हम लोग बोलते हैं, मुरारी। तो ऐसे कर आप इजिली याद कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट में हम लोग समास विग्रह देखेंगे, समास तो हम लोग देख लिए, फिर हम लोग क्या देखेंगे, समास विग्रह, आखिर समास विग्रह फिर देखना पड़ता है ठीक। एक और समास होता है, देखिए सात समास, सातवां समास एक और हम बता देते हैं, नज्न समास होता है, जिस समास शब्द का नकारात्मक बोध होता है उसे नज्न समास कहते हैं, और जिसे अनजान, जो जाना हुआ नहीं है, सातवां आप याद कर लीजिए, इसे क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन आ भी सकता है। अनुदार, जो उदार नहीं है, जिसमें मात्र नेगेटिव होता है, तन्नज्न तो इसे बोलते हैं ठीक, और अनजान, जो जाना हुआ नहीं है, लेकिन आप वस्तुतः छह ही समास होता है, आप इसे छह ही समास पढ़िए ठीक है। तो आपका समास विग्रह मैं बता देता हूँ, समास के उन सभी शब्दों कारक चिन्हों को पुनः ले आना जिनका लोप कर समास बनाया हो, समास विग्रह कहलाते हैं, जिसका लोप कर समास बनाया गया, लोप कर दिया गया। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, मतलब इसमें जो कारक शब्द चिन्हों का है, नीला है जिसका कंठ, जो कारक आ रहे चिन्ह उसको लोप कर दिया है, नीलकंठ कहला दिया गया। जैसे कमल के समान चरण, चरण कमल,
कमल के समान चरण, यहाँ कारक है ना, कारक से भी क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे संप्रदान अपदान, ये सब कारक जो होता है जो रिलेशन दिखाता है सेंटेंस में, वो जैसे आता है उसे क्या कर, जैसे उसी को लुप्त कर देते हैं, तो चरण कमल हो जाएगा, कमल है समान चरण। समास देखिए, समास विग्रह में निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना जरूरी है। समास में विद्वान शब्दों और लुप्त हुए शब्दों को इस प्रकार प्रस्तुत करना है कि समास का वास्तविक अर्थ स्पष्ट हो जाए, ये नहीं कि बस ऐसे ही जोड़कर बता दें। समास विग्रह में यथासंभव समास के मूल शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, अनेक समानांतर शब्दों का नहीं। जैसे चरण कमल का विग्रह कमल के समान पैर या पंकज के समान चरण नहीं किया जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कमल के समान पैर, ये कौन सा बात हुआ, या पंकज के समान चरण, ये थोड़े ना कोई विग्रह हुआ, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका रहा समास विग्रह पर। हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो आता है, जिस टाइप के क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन मात्र हम लिए हैं अभी, आपको क्वेश्चन कल करा देंगे। हाथों हाथ में कौन सा समास है, हाथों हाथ में, तो हम लोग अभी अविभाव समास के बारे में पढ़े, अविभाव समास के बारे में अभी पढ़े ना, आपको बताए ना अविभाव समास किसे कहते हैं, तो जिस समास में पूर्व पद प्रधानता हो और समासिक पद अव्यय हो, तो इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाथों हाथों हाथ, जिसमें प्रथम पद क्या है, प्रधान है, और इसका जो हाथों हाथ जो अविभाव है लास्ट वाला, तो ये दोनों का हो जाएगा ए, तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, ये 2016 का क्वेश्चन है और इसका हो जाएगा आंसर ए। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शब्द में समास है, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किस शब्द में समास है, तो राज्याध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष, राजा रानी, यथाशक्ति, उपरोक्त सभी में क्या है, समास है। समास विग्रह कर देख लीजिएगा, सभी में समास है, तो इसका डी हो जाएगा। बहुव्रीहि भी समास में, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, बहुव्रीहि जो समास होता है उसमें क्या होता है, तो इसमें होता है समास में पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदों की प्रधानता हो तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे इसमें किसी अन्य पद का प्रधानता होता है जो दिया रहता है उसका नहीं, तो बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो दिया है पूर्व पद होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, तृतीय पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो होगा यहाँ पर आप देखिए इसका एक्सप्लेन है, बहुव्रीहि समास, इस समास में विद्वान दोनों पदों के अतिरिक्त अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, अर्थात समस्त पद किसी न अन्य रूप से प्रयुक्त होता है। जैसे पीताम्बर का अर्थ है पीत है अंबर जिसके लिए, किंतु इसका प्रयोग केवल विष्णु के लिए किया जाता है। ठीक, तो दोनों पद प्रधान होते हैं, इसे तृतीय पद, दोनों पद तो होते ही है, दो पद दिए होते हैं, लेकिन इसमें प्रधान कौन होता है, तृतीय पद। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप आसानी से सी लगा सकते हैं एक्सप्लेन देखकर। तो ये रहा आपका, और मैं आपको बता दूं कि हम लोग टॉप 200 का कल टेस्ट लेने वाले हैं, ये आपको वीडियो आज 12 बजे 1 बजे के करीब मिलेगा, रात में मैं रात में बना रहा हूं आपको, तो टॉप 200 का टेस्ट लेने वाले हैं, कल 15 तारीख है, कल ही होगा 8:45 पर रात में, और बिहार पुलिस के लिए है, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप कल दोपहर तक इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगला टेस्ट 25 को होगा, 25 सितंबर को, तो ये डेली सब्जेक्ट वाइज नोट्स आपको मिलेगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी और मैथ का, और साथ में डेली आपको सब्जेक्ट वाइज सेट भी मिलेगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सबका डेली कंपलसरी सेट भी आपको मिलने वाला है, डेली आप कंपलसरी सेट भी लगा सकते हैं, और आपके साथ डेली हिंदी नोट्स भी दिया जाएगा आपको, 10 से 15 पेज का नोट्स दिया जाएगा, जिससे आप पूरा से पूरा क्वेश्चन लगा कर आइएगा। वीकली संडे टेस्ट होगा विथ रैंक के साथ, आपको 200 में आपका कितना रैंक आ रहा है, कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, डाउट क्वेश्चन हम आपका सॉल्व करेंगे संडे सैटरडे, आपको टाइम दिया जाएगा 1 घंटा। ठीक, और फिर इसका टेस्ट जो है 15/9/2018, मतलब कि कल ही 8:45 पर हम देंगे आपको, व्हाट्सएप पर क्वेश्चन देंगे, 15 क्वेश्चन होगा, 3 मिनट में आपको सॉल्व कर उसी नंबर पर भेजना है जिस नंबर से हम क्वेश्चन देंगे, और आपको पता चले आप अगर 200 में सेलेक्ट कर लिए जाएंगे तो आपको जब तक एग्जाम के 2 दिन पहले तक आपको पूरा पीडीएफ, पूरा टेस्ट आपको डेली टेस्ट होगा, डेली आपको पीडीएफ मिलेगा, सेट मिलेगा, वैसे आपको दिया जाएगा, और इसका मात्र फी 200 रुपया होगा जो सिलेक्ट हो रहे हैं उनके लिए, नहीं तो जो नहीं हो रहे हैं वो पीडीएफ बाई कर सकते हैं मात्र 100 रुपया में। तो ये आज का था हिंदी, हिंदी का आपको 20 वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे, सारा हिंदी खत्म करेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं, आज से हिंदी शुरुआत हो चुका है। आज हम हिस्ट्री पढ़ाने वाले थे लेकिन कल से हिस्ट्री हम स्टार्ट करते हैं, कल से, कल परसों 2 दिन, कल 50 हिस्ट्री क्वेश्चन कराएंगे और 50 क्वेश्चन हिस्ट्री का परसों कराएंगे। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो जारी रखें कि इसे छोड़ दें, ये भी जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, उन दोस्तों के पास पहुँच जाए जिसकी जरूरत है, लाइक कीजिए और मेरे चैनल स्टडी मूड को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।